हेलो स्टूडेंट्स, 11 मैथ्स में हमने 7D का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 देखिए क्या लिखा है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन देते हैं उसमें कैसे फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बी वाला करते हैं। बी वाला क्या है, 3-4i * x + iy = 1। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स प्लस वाई को हमें एक ही साइड रखना, उसके साथ दूसरा नंबर नहीं रखना है। तो ये जो ब्रैकेट आपका 3-4 है इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई में चला जाएगा डिवाइड में, इसके साथ आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3-4i * 3+4i 3+4i माइनस है तो प्लस नहीं लेके रिप्लेस कर दिया। अब ऊपर से बचा है आपका 3+4i और नीचे क्या एक माइनस का प्लस का, तो फॉर्मा बोलिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3² - 4i का स्क्वायर। ऊपर है आपका 3+4i, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 16i स्क्वायर। ऐसे फिर जो -1 तो -1 * -6 हो जाएगा आपका +16, ये हो जाएगा 9+16। तो ये हो जाएगा आपका 25। इसको सेपरेट कर देते हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल हो जाएगा 3/25 + 4/25। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3/25 और आई के साथ क्या है वाई, अगर आई के साथ क्या 4/25 तो वाई की हो जाएगी 4/25। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका बाकी क्वेश्चन सिमिलर आप सेल्फ करेंगे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर बी वाला देखिए, 4-3i। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए इसका डिनोमेटर चेंज कर देंगे, तो ये आपका न्यूमेटर में जाएगा, तो इसको कहीं ले जाएंगे हम डिनोमेटर में इस तरह। ठीक, अब इसको यहाँ पर डिनोमेटर में आ चुका तो इसका नेक्स्ट वैल्यू होगा माइनस को कुछ साइन हो जाएगा +9। ऊपर आ जाएगा आपका 4+3i, नीचे फार्मूला भूल जाएगा ए प्लस बी या माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4² और 3² 3i² हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9i² आई स्क्वायर की वैल्यू थी -1 तो ये हो जाएगा -1 + ये हो जाएगा आपका 25। चारों सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 4.25 और ये हो जाएगा 3.25i। ठीक है, अब जैसे सब क्वेश्चन सी और डी आप करेंगे। अब जैसे सब क्वेश्चन नंबर ई, उस ई को भी देख लीजिए। अब इसमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, तो कितना है 3+4i अपॉन में 3i। ठीक है, अब इसमें क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पर चल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पर जाएगा। ये आ चुका है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग आपको प्लस साइन को क्या लगोगे माइनस साइन, ऊपर इंटू करेंगे 3 × 3 में करेंगे तो 9i - 3 = 12i² ये हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही -1 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 16i² हो जाएगा -1 आपका +12 और नीचे हो जाएगा आपका -1 ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा -1 प्लस
हो जाएगा आपका 25, इसको सेपरेट कर देंगे तो जाएगा ना यहाँ पर 25i+12, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक। अब इसका जी वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, अब आपको इसका कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब इसमें नंबर डिनोमिनेटर आपको एक्सचेंज नहीं करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 1/(1+i), सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर में आई करेंगे, इसको इसका रेशियो सेम करेंगे तो प्लस साइन पर क्या करेंगे, माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1-i। नीचे फॉर्मूला बन गया आपका a²-b²(1²-i²), ये हो गया 1, i²-1 तो -1 प्लस, ये हो जाएगा 1-i/2, तो ये हो जाएगा सेपरेट करेंगे 1.2-i/2। तो आपको जो कंजुगेट निकालना है तो जो i वाला नंबर है, जो i का कोएफिशिएंट है उसका साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है, सिर्फ ध्यान रखना i वाले का ही चेंज करना है। तो ये i वाला जो है माइनस का d5 हो जाएगा प्लस का, बस ये इसका कंजुगेट है, ठीक। जैसे इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, बी वाला 1/(3+5i), अब इसको एक्सप्रेशन करेंगे तो 1/(3+5i) प्लस साइन है तो क्या करेंगे, माइनस साइन लेके इंटू कर देंगे, ऊपर चल रहा आपका 3-5i, और नीचे फॉलो हो जाएगा a²-b², तो ये हो गया 3²-5i² हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5×5=25i². अब i² तो -1, तो ये हो जाएगा -±+, और 9×4=35+ करेंगे तो जाएगा आपका 34। इसको सेपरेट करेंगे तो 3/34-5/34i। अब कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो i का ऑप्शन उसका साइन चेंज कर देंगे, तो 3/34 और जो 5 i का ऑप्शन 5/34 वो i का माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का, इसका आंसर है। मतलब कंजुगेट निकालने के लिए आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी i का कोएफिशिएंट आएगा उसका साइन चेंज करना है, माइनस तो प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन सिमिलर है, आप सेल्फ करेंगे। ओके, थैंक यू।